रहमान रहीम। आज आलू गोश्त बनाने लगी हूँ। तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त, बीफ, आधा किलो आलू, 2 टमाटर, ये मैंने 5 हरी मिर्चें ली हैं, 5, 6, 7 आप जितनी पसंद करते हैं, 2 प्याज दरमियाने काट लिए, लहसुन अदरक 1-1 टीस्पून भर के लूँगी। ये खुश्क मसाला जाता है जिसमें सूखा धनिया, सुरख मिर्च, नमक 1-1 टीस्पून भर के मैंने लिया, गर्म मसाला साबुत वो भी 1 टीस्पून लिया और 1/2 टीस्पून हल्दी। एंड पे जाने के लिए ये गर्म मसाला और ये धनिया जो गार्निश में डालना। ऑयल मैंने इसमें डाल लिया डेगची में। अब मैं प्याज ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन, लहसुन अदरक डाल के ब्राउन करके फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज हो गया और अब मैंने गोश्त इसमें डाल दिया। अब इसमें सारे मैं थोड़ा इसे नीचे ऊपर करके फिर सारे कुछ मसाले डाल के इसको मैं कुकर बंद कर दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। ये रहेंगे आप सारे मसाले रहेंगे मसाले, और 1 गिलास तकरीबन पानी डाल के कुकर बंद कर देती हूँ। पाँच से 6 मिनट जब प्रेशर शुरू हो सीटी इसकी घूमने, तो 5 से 6 मिनट गलाना है सिर्फ, वो इसलिए कि बाद में आलू डालने हैं, बुनाई करनी है, तो फिर ज़्यादा ना गाल दें। अब मैं इसको खोल के मैंने टमाटर डाल दिए, थोड़े से सॉफ्ट हों तो ये थोड़ा सा पानी है ये खुश्क होता है, फिर मैं आलू डाल के इसकी भुनाई कर लेती हूँ। उबलने के लिए मैंने रखा है क्योंकि हमेशा पानी जब डालते हैं तो बॉयल करके डालें, उसका जायका बहुत अच्छा, कच्चा पानी कभी मत डालें। पानी खुश्क हो गया, अब आलू डाल के बिस्मिल्लाह इसकी भुनाई कर लेंगे। मैंने ऑयल तकरीबन 1/2 कप डाला है क्योंकि आलू गोश्त का शोरबा और इसका ऑयल ज़रा अच्छा लगता है, घी हो, ऑयल हो, जो आप यूज़ करते हैं। अब इसकी भुनाई करके तो फिर मैं पानी डालती हूँ, और एंड पे जब हांडी पकने के करीब हुई, गरम मसाला, हरी मिर्चें और गार्निश के लिए धनिया वो डाल दें। ये हंडिया ने घी छोड़ दिया, बुनाई माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें पानी आपकी मर्ज़ी है, मैं से तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डालूँगी, और आलू गलने तक इसको पकने देंगे, बीच में से चेक करते रहें, आलू गल गए तो गरम मसाला डाल के, हरी मिर्चें डाल के, माशाल्लाह आलू गोश्त बेहतरीन तैयार। उबला हुआ पानी मैंने डाला है इसमें, पानी थोड़ा सा और डलेगा ये, ताकि जो गलने के दौरान खुश्क होना है वो कम ना डले। ये हरी मिर्चें मैं डालने लगी हूँ, और अब आंच बिल्कुल धीमी कर दूंगी, तकरीबन आलू गलने वाले हैं, बिल्कुल लो आंच पे अब दम में 5 से 7 मिनट इसको गलाएंगे। लें जी माशाल्लाह बेहतरीन आलू गोश्त तैयार है, चूल्हा बंद। अब हरा धनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और गरम मसाला, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और बहुत खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको आलू गोश्त का ये तरीका पसंद आएगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपको नेक इरादों में कामयाब करें।